बड़ी खुशी की बात है और मुबारक की बात है। मैं बारामूला और लद्दाख के लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली 60% वोटिंग बारामूला में हुई है और 70% वोटिंग लद्दाख की सीट के ऊपर पार्लियामेंट में हुई है। और ये अब ये निशानदेही करता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के चुनावों में खाता नहीं खोल पाएगी, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनावों में क्लीन गोल्ड हो जाएगी। नंबर तीन, अब एक सीट जो बची है अनंतनाग पुंछ राजौरी की, वहाँ भी मैं दौरा लगा करके रात को अभी ही आ रहा हूँ। और आप पत्रकार मित्रों को मैं बता दूँ कि ये आपको मैं वहाँ पे एक सुनामी आई हुई है हमारे इतिहाद के, हमारे इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स जो हैं वो वहाँ पे मियां अल्ताफ लारवी लाखों की वोटिंग से, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी और लाखों के मार्जिन से वहाँ पे जीतेंगे। हम आज रात को ही, मैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े बड़े नेता, सोरनकोट पुंछ राजौरी नेंडर नौशहरा में जो जन सैलाब आया हुआ था, मुझे तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी नज़र आई, ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नज़र आई और ना ही पीडीपी कहीं नज़र आई। तो बड़े अफसोस की बात है। और इसमें दावे के साथ आपको बता सकता हूँ कि अब ये जो सीट बची हुई है अनंतनाग पुंछ की, ये हम भारी वोटों से जीत रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आने वाले असेंबली के चुनाव भी हम यहाँ पे क्लीन स्वीप करेंगे। अब आप पत्रकार मित्र ये जानना चाहते हैं कि सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी के पार्टी का क्या हाल रहेगा, तो मैंने पहले ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो क्लीन बोल्ड जम्मू कश्मीर में हो गई है, 5 की 5 सीटों के ऊपर, लद्दाख की 1 सीट के ऊपर भी हो गई है। अब ये बाकी के जिनको इन्होंने समर्थन किया था, ये जो बैट बॉल वाले या जो भी पार्टियाँ थी, वो अब रन आउट हो रही हैं पार्लियामेंट के चुनावों में। और जो टेस्ट मैच असेंबली के चुनावों का आने वाला है, जो रियासत के दर्जे की वापसी और असेंबली के चुनाव हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लाए हैं, वहाँ भी इनका सफाया होने वाला है। और आज पत्रकार मित्रों, जम्मू कश्मीर का बेटा सुनील डिंपल ये पैगाम पूरे मुल्क में भेज रहा है कि पूरे मुल्क के लोगों को इन्होंने 370 को लेकर के, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर के पूरे मुल्क को गुमराह किया है और ये बेनकाब हो चुके हैं। और साथ में एक बात और बता दूं, इनकी 200 सीटों से भी ज़्यादा सीटें पार्लियामेंट की सेंटर में नहीं आएगी और अगले प्रधानमंत्री जी मोदी जी बेहद मुश्किल से नहीं बन सकते। आपकी बार 400 पार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना चाहते हैं आप? 400 पार कहाँ, अब की बार मुझे नहीं लगता है। और मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है, ऊंचे हथियारों के ऊपर आ गई है। ये कभी मजहबी लड़ाई दंगे फसाद करती है, इनका कोई रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट ही नहीं है। आज देखिए, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है पत्रकार मित्रों से मिल करके। आप सारे मेरे साथ चल रहे थे 5 अगस्त 2019 के बाद, और मैंने आपसे कहा था कि मैं रियासत का दर्जा 370-35 है, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली की जंग लड़ूंगा। और आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे प्रधानमंत्री भी है चाहे होम मिनिस्टर भी है, वो भी कहते हैं, हम भारी मन से कहते हैं हम रियासत देंगे, हम चुनाव भी करा देंगे। अरे साहब, चुनाव और रियासत तो हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं, इसमें आपका कोई एहसान नहीं है। सर, अगर अलायंस चुनाव जीतती है तो सरकार किससे मिलकर बनाएगी? किसमें? अगली असेंबली में अगर अलायंस जीत जाती है। अरे हम बैठेंगे ना, हम बैठेंगे, मिशन स्टेटहुड फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाएगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष वकार रसूल वानी, कोशिश करेंगे पीडीपी को भी बिठाए। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि वही नेता जो 370 की बात करते थे, वही उस पार्टी के साथ आज़ाद अल्ताफ बुखारी सज्जाद लोन ने मिला लिया हाथ, जिसने हमारी रियासत को बर्बाद किया था। और असेंबली के चुनावों में भी इनका बुरा हाल होने वाला है, ये आप नोट कर लीजिए। और मैं ये बताऊँ कि जम्मू कश्मीर में जब असेंबली के चुनाव होंगे, सरकार हमारी होगी और हम सारे स्टेट सब्जेक्ट कैंसिल करेंगे, सारे स्टेट सब्जेक्ट लागू करेंगे और डोमिसाइल कैंसिल करेंगे।
और यहाँ पे दूसरा ये कह दे कि हम इतिहाद की शर्तें हमारे महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए थे वो लागू करेंगे। लेकिन आज मैं यहाँ से, क्योंकि मैं रजौरी पूंछ का दौरा करके आया हूँ, रजौरी पूंछ के लोगों में, वोटरों में, वहाँ के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में इतना जोश है कि आप देखेंगे कि इनकी जमानतें भी, पीडीपी की भी, अल्ताफ बुखारी की पार्टी की भी, अपनी पार्टी की भी, सबकी जमानतें जब्त हो जाएगी। मेरा एक सवाल है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लाइट नहीं आ रही है, उसके बारे में क्या कहना? उसको लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा धोखा है। स्मार्ट मीटर के बिल नहीं आते और SMS नहीं आते, और कोई भी जो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो बिजली विभाग के ऑफिशल्स हैं उन्होंने अपने स्मार्ट मीटर से बाहर से डायरेक्ट कनेक्शन करवाए हुए हैं। और मैं पत्रकारों से कहूँगा कि इसका स्टिंग ऑपरेशन